तो आप बताइए कि क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस? हमने तो आपको पार्ट वन में भी देखा, और यहाँ सीजन टू लीगल टू का एक्सपीरियंस तो काफी बढ़िया था, क्योंकि सीजन टू है और सीजन टू अक्सर बजट ज्यादा होता है, चीजें ज्यादा होती हैं। वी हैव मोर कैरेक्टर्स आल्सो लाइक तनुज विरवानी, सुनानी सहगल, मतलब कास्ट बड़ी हो गई, शो बड़ा हो गया, लोग ने फील भी बड़ा हो चुका है, व्हिच यू कैन सी इन द ट्रेलर। तो आई थिंक हम काफी एक्साइटेड हैं, वी आर रिटर्निंग एज आवर कैरेक्टर्स। एंड अब मेरा तीसरा शो पारुल गुलाटी जी के साथ, मैं काफी एक्साइटेड हूँ। पारू जी, आपके थोड़ा सा किरदार के बारे में यहाँ पे जानना चाहेंगे कि इलीगल सीजन टू में क्या कुछ? अगर नहीं तो आप लोग बात कर लो, फिर हम लोग कर लेंगे, ऐसे डिसाइड कर लो क्या करना है। हाँ जी पारू जी, सीजन टू में आपके किरदार के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्या कुछ डिफरेंट अंदाज में आप हमें यहाँ पर? सीजन वन में भी आप देखते हैं देविका, माय कैरेक्टर्स नेम इज देविका, सो शी इज मैरिड टू अक्षय कैरेक्टर, बट अभी कैसे शी इज टेकिंग द स्टेप टू गेट इनटू द फैमिली बिजनेस एंड हिज लाइफ एंड मेकिंग दैट नोन टू हिम कि मैं तुम्हारी लाइफ में भी हूँ, तुम्हारे बिजनेस में भी हूँ, एंड दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। दे डोंट हैव नेसेसरली दैट हस्बैंड वाइफ वाला लव, बट यू गेट टू सी अ न्यू साइड टू देम एंड दे आर टुगेदर। I mean, it's an interesting dynamic because it's one of those things जो शादी actually किस कारण हुई है, मतलब वो पता चलता है कि धंधे के लिए हुई है कि actual प्यार है दोनों के बीच। So I think it's a very interesting dynamic for powerful rich people. So हम ऐसा माने कि best husband बन चुके हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Actually I would say कि बहुत गंदा husband हूँ, क्योंकि नेहा के साथ भी रिश्ते हैं, पारुल के character के साथ भी रिश्ते हैं, तो in fact he's not a good husband, but वो थोड़ा confused है life में। उसकी गलती भी नहीं है, आई वुड से पर्सनली मेरे किरदार के बारे में अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हिज फादर पीयूष मिश्रा हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज इन हिज लाइफ एंड उस कारण वो उलझा हुआ है विद बिजनेस एंड पर्सनल लाइफ। तो सर एज यू सेड कि आपका नेहा के साथ भी संबंध है, वाइफ के साथ भी संबंध है, तो सीजन टू में हमें ये देखने मिल सकता है कि आप उनके साथ अगेंस्ट भी हैं लेकिन साथ में भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देर इज अ गर्लफ्रेंड एट वर्क निहारिका सिंह, नेहाज कैरेक्टर, एंड अ वाइफ एट होम पारुल कैरेक्टर देविका। डेफिनेटली वी हैव ट्राइड इन दिस सीजन टू वर्क दैट। नाउ हु ही एंड्स अप विद एंड हु एंड्स अप टुगेदर वो तो आपको देखना पड़ेगा, वो तो मैं बता नहीं सकता। एज यू टोल्ड योर कैरेक्टर इज मोर बिट ऑफ कन्फ्यूजिंग, तो एट द एंड आप सुधरते हैं या फिर सेम रहते हैं? आई थिंक बाय द एंड कुछ चीजें सुधरती हैं, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के जो भी ताल्लुक है मेरे, आई थिंक वो चीज़ें सुधरती हैं, बट पर्सनल लाइफ ही स्टिल काइंड ऑफ मेस्ड अप। मे बी आई मीन दैट समथिंग यू हैव टू सी व्हाट्सएप, बट ही इज स्टिल कंफ्यूज्ड जनरली। ओके ओके, लास्टली सीजन वन तो बहुत अच्छा गया, सीजन टू से क्या एक्सपेक्टेशन? यार जितने भी सीजन वन के व्यूअर्स थे अगर उनको अच्छा लगा तो आई थिंक वो तो डन, आई होप दे वॉच इट, आई होप दे लाइक इट एंड दैट वी गेट न्यू फैंस ऑफ द शो। Because we work very hard, यार ये बहुत ही मतलब सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये शो थोड़ा इतने सारे किरदार हैं, इतना सारा लीगल जार्गन है, इतने सारे ट्रैक्स चल रहे हैं, उनको सही रखना, आई मीन दैट्स व्हाट यू नो द प्रोडक्शन टीम, बायकॉम, आर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ऑल दीज पीपल आर देयर फॉर दैट, बट आई होप दैट वी पुट टुगेदर समथिंग दैट एंटरटेन्स द ऑडियंस। मेरा वो सेम सवाल है लास्टली कि कोई ऐसा काम जो आप इल्लीगल करते हैं करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ इल्लीगल नहीं करता हूँ, मैं बहुत अच्छा देश का नागरिक हूँ। थैंक यू सो मच।